ये निडोली थाना क्षेत्र अंतर्गत 31 तारीख को ओएस नाम के एक लड़के का मर्डर हुआ था, जिसकी गोली मार के हत्या की गई थी। इस मुकदमे का आज अनावरण किया गया है। दो अभियुक्तों को मैं सलाह और पुलिस का ग्राउंड लेवल पर करते हुए एक सफल अनावरण एक रिकॉर्ड समय में किया गया। इसमें पूरा घटनाक्रम अगर हम जानना चाहेंगे तो उसमें ओएस जो कि जो हमारे यहाँ का सहजपुर का रहने वाला है, ये इसकी लड़ाई हुई थी 30 तारीख को नीलीखेड़ी में, जिसमें बहाव और इसका एक मित्र अब्दुल कादिर, इसके साथ लड़ाई हुई थी और बहाव ने इनकी पिटाई या लड़ाई झगड़े में इनकी पिटाई कर दी, जिससे रुष्ट काफ़ी थे। और उसके बाद 31 तारीख को इनमें कुछ वार्तालाप हुआ समझौते को लेकर, जिसमें बहाव ने और अब्दुल कादिर ने फ़ोन करके आपस में वार्ता की कि हम लोग कुछ इसमें समझौता कर लेते हैं, लेकिन इनके दिल में रंजिश थी। और एक जावेद प्रधान है जिनका जनाजा था, उसमें ये लोग जा रहे थे और उसी घटनाक्रम में ये बहाव और मुसरैन और इसके एक और इसका भाई हमजा, ये वहाँ इकट्ठे हुए और समझौते की बात को लेके इन्होंने वहाँ पे उनको बुलाया और वहाँ पे इनके दिल में जो पुरानी रंजिश थी उसको देखते हुए इन्होंने फायर शुरू किए। इसमें बहाव ने फायर किए और मुसरैन ने फायर किए, जिसमें से एक फायर इसको कहते हैं ओवैस के सीने में जाके लगा और वहाँ पे ये बुरी तरह घायल हो गया, जिसके बाद इसके साथी इसको लेकर तत्काल अस्पताल की तरफ भागे, लेकिन ये सीने में गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल होने के कारण मृत घोषित किया गया। इसके बाद ये सूचना पुलिस को प्राप्त हुई और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सारी इनके बैकग्राउंड और इनके चीज़ों को खंगाला है। इसमें इनके झगड़े की सूचना प्राप्त हुई और फिर इनके पिताजी द्वारा भी जो सूचना दी गई उस पर तीन लोगों को नामजद करते हुए FIR दी गई थी, और उसी परिप्रेक्ष्य में फिर हमारी इंटेलिजेंस और रिकॉर्ड 36 घंटों में फिर हमने इनको गिरफ्तार किया, इनसे असलहा बरामद किया और सारे अभियुक्तों के रिकॉर्ड स्टेटमेंट लिए गए हैं, जिसमें इनके द्वारा घटना के पूरी तरह से तस्दीक किया गया है और इसका सफल अपहरण किया गया।